हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि भारत देश के मूल निवासी लोगों की ज़िंदगी में ऐसी क्या चार घटनाएं घटी जिसके कारण उनकी ज़िंदगी बदल गई। वह कौन सी घटनाएं हैं और कब हुई यह घटनाएं तथा किसके साथ हुई यह घटनाएँ। तो दोस्तों, इन चार घटनाओं के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। यह चार घटनाएं जिन घटनाओं की वजह से इस देश का बहुजन समाज, इस देश का मूल निवासी समाज आज़ाद है, स्वतंत्र है, वह कौन सी चार घटनाएं हैं जिन घटनाओं के कारण इस देश के मूल निवासियों को एक अलग पहचान मिली, एक अलग अधिकार मिला और आन बान और शान से जीने का अधिकार मिला। वह चार घटनाएं आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली घटना थी हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत का प्रवेश होना। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा भारत देश अंग्रेजों का लगभग 200 साल गुलाम रहा है और अंग्रेजी हुकूमत ने भारत देश पर राज किया है। अंग्रेजी हुकूमत से पहले भारत देश में बहुत से विदेशी आक्रमणकारियों का शासन रहा है, जिसमें मुगलों ने राज किया, तुर्कों ने राज किया, अफगानों ने राज किया। इन सभी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत से सोना चांदी लूटपाट करके अपने देश में चले गए। इस देश का मूल निवासी, इस देश का बहुजन समुदाय, इस देश का एससी एसटी ओबीसी समाज, सदियों से इस देश में ब्राह्मणवादियों का, इस देश में मनुवादियों का गुलाम रहा है। किसी ने भी इनके बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, जब उन लोगों ने देखा इस देश में छुआछूत फैला हुआ है, इस देश में पाखंड अंधविश्वास आडंबर फैला हुआ है, इस देश में जाति को देखकर न्याय किया जाता है, इस देश में जाति को देखकर शिक्षा दी जाती है, इस देश में जातिवाद इतना फैला हुआ है कि जाति के नाम पर अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं कर दी जाती है, लोगों को जातिपाति देख करके शोषण किया जाता है, यह सब देखकर अंग्रेजों ने इस सड़ी हुई व्यवस्था को बदलने का फैसला किया। और उन्हीं लोगों ने वो सारी व्यवस्था बनाई, वो सारी योजना बनाई, जिसमें सबसे पहला न्यायकर्ता था जो ब्राह्मण था। उसके लिए अंग्रेजी हुकूमत ने कहा, इस भारत देश में कभी भी ब्राह्मण न्यायाधीश नहीं बनेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। और सबसे पहली फांसी अंग्रेजों ने एक ब्राह्मण को दी थी। और अंग्रेजों ने कहा कि आज के बाद भारत में कोई भी ब्राह्मण जजमेंट नहीं लेगा। और जब तक अंग्रेज भारत में रहे, ब्राह्मण 1949 तक कोई ब्राह्मण न्यायाधीश नहीं बना। अंग्रेजी हुकूमत ने इस देश के शूद्रों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए, अंग्रेजों ने इस देश के शूद्रों के लिए नौकरियों के दरवाजे खोल दिए। जस मायने में कहा जाए तो अंग्रेजों ने ही इस देश के शूद्रों के लिए, इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लिए, इस देश के मूल निवासियों के लिए वो सारे अधिकार के रास्ते खोले जिन अधिकारों की तत्कालीन इस देश के मूल निवासी लोगों को जरूरत थी। अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा खोले गए विद्यालयों की वजह से, उन अंग्रेजों के दिए अधिकारों से की वजह से महात्मा ज्योतिराव फुले जी, बाबा साहेब अम्बेडकर और तमाम लोग शिक्षा ग्रहण कर पाए, जिसकी वजह से इस देश के मूल निवासी समाज की परिस्थिति बदल पाए। दोस्तों, दूसरी घटना थी महात्मा ज्योतिराव फुले जी का एक ब्राह्मण की शादी में जाना। और शादी में जाने के बाद महात्मा ज्योतिराव फुले जी को अपमानित करना, उनके साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना और उस बारात में से उनको बाहर निकाल देना। दोस्तों, अगर यह घटना नहीं घटी होती तो महात्मा ज्योतिराव फुले कभी भी सामाजिक आंदोलन नहीं कर पाते। जब उनके साथ यह घटना हुई तो उनको यह समझ में आया कि मेरे शिक्षित होने के
नाते मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये लोग इतना अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, तो जो इस देश का मूल निवासी समाज है, जो इस देश का बहुजन समाज है, जो निचले तबके से जी रहा है, उसके साथ में ये मनुवादी लोग क्या करते होंगे। इसी वजह से उन्होंने इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए, इस देश की सभी महिलाओं के लिए 1948 में पहला विद्यालय खोला, जिसमें माता सावित्रीबाई फुले के साथ मिल करके इस देश की सभी जातियों की महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया। और उन्होंने ही सती प्रथा का भी विरोध किया। महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने बाल विवाह पर विरोध किया और उन्होंने ही विधवा महिलाओं की दूसरी शादी कराने का फैसला किया। और उन्होंने ही सामाजिक आंदोलन चलाया और कहा कि हम ब्राह्मणों के बिना शादी विवाह कर सकते हैं। और उन्होंने बताया, जिस तरीके से नाई का बाल काटना धर्म नहीं धंधा है, उसी तरीके से ब्राह्मण को पूजा पाठ करना धर्म नहीं धंधा है, जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता बढ़ी और आज का जो बहुजन समुदाय है वह ब्राह्मणवादियों को पूरी तरह से विरोध करता है। तो यह भी घटना की वजह से हुआ जो घटना महात्मा फुले जी के साथ घटी थी। साथियों, तीसरी घटना है पारसियों द्वारा परम पूज्य बाबा साहेब को आवास किराए पर नहीं देना और उनके धक्के मार के अपमानित करके निकाल देना। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बाबा साहेब अम्बेडकर लंदन और अमेरिका के से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वह भारत आए तो बड़ौदा के राजा से उनका एग्रीमेंट हुआ था कि जो उनको छात्रवृत्ति मिली है उनके बदले वह बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी करेंगे और अपनी सेवा देंगे। और जैसे ही बाबा साहेब नौकरी करने के लिए बड़ौदा के राजा के पास जाते हैं, नौकरी तो उनको मिल जाती है लेकिन रहने के लिए रूम नहीं मिलता है, मकान नहीं मिलता। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को आराम से रहने की जगह मिल जाती, कमरा मिल जाता, पूरी व्यवस्था मिल जाती, उनको कोई समस्या नहीं आती, तो बाबा साहेब इन तमाम बहुजनों के लिए आंदोलन क्यों करते। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ यह घटना घट जाती है। साथियों, जिस बाबा साहेब के पास 64 विषयों के मास्टर थे, 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, एक बड़े अधिकारी थे और उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, परेशान किया गया, अगर पारसियों के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार नहीं किया गया होता तो शायद ही बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक आंदोलन कर पाते, क्योंकि सारी चीज़ें उनको आराम से मिल जाती तो उनको आंदोलन करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन यह वो घटना थी कि वह बाबा साहेब को चौसने पर मजबूर कर दिया कि मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो इस देश के मूल निवासियों के साथ क्या होता होगा, इस देश के तमाम बहुजनों के साथ क्या होता होगा। और बाबा साहेब ने उसी टाइम कसम खाई थी कि इस देश की व्यवस्था को मैं बदल दूंगा, जिस व्यवस्था से हमारा यह मूल निवासी समाज गुलाम है, जिस व्यवस्था से हमारा शूद्र समाज यह अच्युत समाज हजारों वर्षों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो दोस्तों, चौथी घटना है, यह घटना अगर भारत में नहीं घटी होती तो सभी महापुरुषों का बलिदान शायद बेकार चला गया होता। दोस्तों, यह घटना है, ऐसी घटना है जिस घटना से इस देश के मूल निवासी समुदाय को पूरा जीवन बदल दिया। तो यह घटना है मान्यवर कांसीराम साहब की। यह घटना है मान्यवर कांसीराम ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। हकीकत में अगर मान्यराम कांसीराम जी ने नौकरी नहीं छोड़ते तो आप बहुजन शब्द को नहीं जान पाते। यह मान्यवर कांसीराम जी की देन है। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और इस देश में बाम से BS4 बहुजन समाज पार्टी बना करके इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के बहुजनों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना पैदा किया और इस देश में बिखरे हुए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लोगों को, समाज को जो 6,743 जातियों में बटा हुआ था उसको इकट्ठा करके बहुजन बना दिया। तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो साहेब कांसीराम जी को जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।